हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। ज़्यादातर लोगों का SBI के अंदर ही अकाउंट होता है, भारतीय स्टेट बैंक के अंदर। आपका भी भारतीय स्टेट बैंक के अंदर अकाउंट जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI आपसे कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज का वो पैसा चार्ज करता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके आपको दी गई कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर और भी कई सर्विसेज हैं जो कि SBI आपको देता है, तो उसका वो कितना चार्ज काटता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि SBI जो आपको सर्विसेज देता है उस किस सर्विस का क्या क्या चार्ज लगाता है, किस किस चीज़ पर वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है अपने कस्टमर्स के ऊपर, और कितनी कितनी पेनल्टी लगाता है, कितना कितना वो चार्ज करता है, सारी जानकारी आपके साथ आपको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता था तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका सुझाव इस वीडियो को लेकर तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमने आपको बताया कि भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, अपने पर्सनल बैंकिंग सेगमेंट के अंतर्गत तमाम तरह की सेवाएं मुहैया भी कराता है। डिपॉजिट स्कीम से लेकर ATM सर्विस और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी तक से लेकर मनी ट्रांसफ़र सर्विस तक बैंक ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से कई तरह के ऐसे विकल्प भारतीय स्टेट बैंक में अवेलेबल हैं। हालांकि बैंक अपनी इन सेवाओं के एवज में अपने ग्राहकों से कुछ शुल्क भी वसूल करता है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। जैसे कि बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन करने और को अभी अनिवार्य कर दिया है, जिसमें एक तरह का न्यूनतम राशि मेंटेन करके रखना आपके लिए अनिवार्य है। अगर कस्टमर्स ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें इसके एवज में पेनल्टी चुकानी होती है। जिन भी कस्टमर्स का SBI में रेगुलर बैंक सेविंग अकाउंट है, उन्हें अपने खाते में एक न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, जो कि 1,000 से 3,000 रुपये तक का होता है। ये लोकेशन के आधार पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। SBI खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन ना करने पर मेट्रो शहरों में और अन्य शाखाओं में 10 रुपये प्लस GST से लेकर 15 रुपये प्लस GST तक का शुल्क देना होता है। ये जानकारी आपको बैंक की आधिकारिक साइट पर भी मिल जाएगी। वहीं जिन ग्राहकों का खाता सेमी अर्बन क्षेत्र के SBI ब्रांच में है, उन्हें 2,000 रुपये का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। इसका पालन ना करने की सूरत में 7.5 रुपये प्लस GST और 12 रुपये प्लस GST की पेनल्टी उन्हें देनी होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वहीं जिन कस्टमर्स का खाता ग्रामीण शाखाओं में है, उन्हें अपने खातों में 1,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा ना करने पर बैंक खाताधारकों से 5 से लेकर 10 रुपये तक की GST के सहित बतौर पेनल्टी वसूल करता है। अब बात करते हैं ATM कार्ड पर लगने वाले चार्ज के बारे में। SBI ATM कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा देता है, लेकिन वो इसके इस्तेमाल पर कुछ शुल्क भी वसूल करता है। ग्राहकों को निर्धारित मुफ्त निकासी के अलावा ATM के इस्तेमाल पर कुछ शुल्क देना होता है। ATM कार्ड पर लगने वाले शुल्क कार्ड के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ATM कार्ड, डेबिट कार्ड पर लगने वाले शुल्क किस तरीके से होते हैं। आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पर स्क्रीन पर सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड पहले साल का और सेकंड ईयर का क्या क्या चार्ज SBI आपसे वसूल करता है। तो फ्रेंड, अब आप जान चुके हैं कि SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक अपने कस्टमर्स के ऊपर किस किस चीज़ की पेनल्टी लगाता है और किस किस सर्विस का कितना कितना चार्ज करता है। पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। हमारा चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।